बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर वन फ्रॉम चैप्टर नंबर वन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सीरीज सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कंपैटिबल और बहुत ही कारगर साबित होगी जिन्होंने एक सपना देख रखा है अपने गले के अंदर एक लॉकेट का, एक सुनहरा लॉकेट जो बेसिकली MBBS के बाद आपको मिलेगा, जो बेसिकली MDCAT क्रैक करके आप एडमिशन लेंगे। तो हर वो स्टूडेंट जिसने इस चीज का सपना देखा है, उस स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज बहुत कारामद है, क्योंकि इसमें लेक्चर सीरीज में हर एक टॉपिक को डिटेल में लेके जाएंगे और जो लूप होल्स टॉपिक्स में रह जाते हैं वो आपको सारे समझाए जाएंगे, वो सारे फंडे क्लियर करवाएंगे आपको। देखिए, आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ रखी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी जल्दी से बताइए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यही सोचेंगे, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ बायोलॉजी। इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? क्या स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी है? नहीं, आपका तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो इट्स मींस दैट कि अगर आपको नए फंडे सीखने हैं मेरे से, तो पुराने फंडे आपको भूलना पड़ेंगे। तो मेहनत आपकी, दिशा हम आपको दिखाएंगे, कामयाबी की मंजिल पे आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी है क्या असल में। देखिये, बायोलॉजी, जब हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो होगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। देखिये, स्टडी ऑफ लाइफ जो है ये बहुत सारी ब्रांचेस जो है साइंस की उसमें की जाती हैं, जैसे कि साइकोलॉजी की बात कर लीजिए, सोशियोलॉजी की बात कर लीजिए, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। तो इन सब के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लाइफ को ही स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ब्रांचेस एंड बायोलॉजी? So the basic difference is that there is a single word and this word is a scientific. तो जब कभी आपसे MCQs में पूछ लिया जाए, the study of the life, नीचे option दे दिया जाए, psychology, sociology, biology and whatever, all of these. तो आपको क्या choose करना चाहिए? क्या आपको biology choose करना चाहिए? No, that's all of these. आप सबको choose करेंगे, क्योंकि life को study सभी में किया जाता है। लेकिन अगर scientific study लिखा जाए, क्योंकि scientifically study किस में करते हैं, तो हम किस में करेंगे? Biology में study करेंगे। चलिए, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर की बात करते हैं, तो बायोलॉजी के फादर हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के फादर इस वजह से भी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है और अपने दौर के बहुत ही बुद्धिमान इंसान इनको कंसीडर किया जाता था। इनसे रेलिवेंट एक स्टोरी है, बड़ी फनी स्टोरी आपको सुनाते हैं। देखें, ये अपने इलाके के अंदर बड़े फेमस थे और शक्लो सूरत के लिहाज से नहीं बल्कि दिमाग के लिहाज से बहुत जबरदस्त जीनियस कंसीडर किया जाते थे। तो एथेंस के अंदर, एथेंस बेसिकली ग्रीस, ग्रीस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ना एक उस इलाके की बहुत ही खूबसूरत महिला जो है उसने अपने आप को देखा और उसने कहा कि एथेंस की सबसे खूबसूरत जो लड़की हूँ वो मैं हूँ और एथेंस का सबसे जो जीनियस पर्सन है वो कौन है? अरिस्टोटल है, यानी कि बायोलॉजी के बाप है। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलिए चलते हैं इसके पास। तो उसने बहुत सारा हौसला इकट्ठा किया और अरिस्टोटल के पास आ गई और अरस्तु को आके कहा कि देखो अरिस्टोटल, तुम एथेंस के सबसे बुद्धिमान इंसान हो और मैं एथेंस की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, तो हम दोनों ना शादी कर लेते हैं और हमारे जो बच्चों के जीन्स हो गए ना वो मिक्स हो जाएंगे, तो बच्चों की जो शक्ल होगी वो मेरे ऊपर जाएगी, बच्चे खूबसूरत होंगे और दिमाग तुम्हारे ऊपर जाएगा, यानी कि बुद्धिमान होंगे। अरिस्टोटल जो है वो मुस्कुराए और कहने लगे कि मान लो अगर इसके उल्टा हो गया तो, यानी कि शक्ल जो है वो मेरे ऊपर चली जाए और जो दिमाग है वो तुम्हारे ऊपर चला गया तो, यानी कि ना शक्ल ना अकल। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो खूबसूरत लोग होते हैं उनमें अकल कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से और वो डॉक्टर बन रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टीच MDCAT इन मैनी प्राइवेट सेक्टर्स, मैनी अकेडमीज। तो ये सीरीज जो है ये आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर वन। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के बेसिकली 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर्स की पहले हम डिवीजन कर लेते हैं कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, जहां से बोर्ड का पेपर ज्यादा बनता है, और कौन से वो चैप्टर है जिनको हमने बहुत ही अच्छे से कवर करना है बिकॉज वो हमारे MDCAT का पोर्शन होते हैं। देखिए, जो भी एस्पिरेंट्स MDCAT को देख रहे हैं एज ए चैलेंज के तौर के ऊपर, या ये उन्होंने सुन रखा है कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फेलियर के कारण पहले लेक्चर में ही बता देता हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट में फेल इसलिए होते हैं बिकॉज उनको ये आइडिया बहुत कम होता है कि जो MDCAT का पेपर है वो दो तीन बुक्स कंपाइल करने से बनता है। पहली बुक आपके पंजाब बोर्ड की जो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, दूसरी बुक जो है वो आपके पास होती है फेडरल बोर्ड की। फेडरल बोर्ड की जो बुक है, जितने भी पंजाब के एस्पिरेंट्स हैं ये फेडरल बोर्ड की बुक जो है ये तब पढ़ेंगे जब आप FSC का फर्स्ट ईयर का पेपर दे देंगे। उसके बाद देखेंगे चंद एक टॉपिक्स होंगे जो आपने कवर कर लेने हैं जो कि पंजाब की बुक के अंदर मौजूद नहीं होंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस जो है वो पंजाब की बुक में नहीं है, फेडरल बोर्ड की बुक में है, तो आपको वहां से कवर करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल दी मैंने आपको। अब देखते हैं कि ये जो 14 चैप्टर्स हैं हमारे पास, इन 14 चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स जो हैं वो एनुअल एग्जाम्स और कौन से MDCAT के लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको MDCAT के बता देता हूँ।
एमडी कैट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उनमें पहला जो चैप्टर आपने इंक्लूड करना है अपने माइंड के अंदर बैठा कर रखना है, वो है चैप्टर नंबर 2। ये तो जान कह लें कि जो एमडी कैट है ना वो जान है उसकी, ठीक है। दूसरी बात अगर बात कर लें तो चैप्टर नंबर 11 जो है ये बहुत ही जरूरी है। ये पहले दो चैप्टर ये फ्रंट पे होते हैं, कोई भी एमडी कैट का पेपर उठा लीजिए मोस्टली जो है वो यहीं से आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 इस रेस में आ जाएंगे, 3 चैप्टर नंबर 4 आएगा, चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। अच्छा, समटाइम क्या हुआ है कि एमडी कैट के सिलेबस के अंदर ना चैप्टर नंबर 10 जो है जो किंगडम एनी मिलिया है वो ऐड कर दिया गया था, समटाइम चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांट ऐड कर दिया गया था। तो ये दोनों टॉपिक्स चैप्टर जो है ये बेसिकली सिलेबस के अंदर चेंज, थोड़ी बहुत चेंजेस होती रहती है, तो अब इसलिए मैं चैप्टर नंबर 9 और 10 में से किसी को भी इंक्लूड नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 13 का एक पोर्शन रहेगा जिसमें रेस्पिरेशन से रेलिवेंट चीजें हैं वो आपको सीखना पड़ेगी चैप्टर नंबर 13 से। और चैप्टर नंबर जो 12 है ये तो आपको कंप्लीटली ही करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 के भी कुछ टॉपिक्स, तो यहाँ पे गौर से देख लीजिए मैंने कितने ऐसे चैप्टर्स आपको गिनवा दिए हैं जिनमें मैंने कहा कि मेनली एमडी कैट का पेपर कंपलसरी तौर पे बनेगा। उनमें पहला है चैप्टर नंबर 2, दूसरा है चैप्टर नंबर 11, फिर मैंने आपको गिनवाया चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। तो ये किस लिए आपको बता दिया, दैट इज फॉर द एमडी कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के लिए। ये चैप्टर्स जो है इनके ऊपर आप फोकस ज्यादा करेंगे। तो मेनली मैंने आपको 5 चैप्टर्स बताए, 2, 11, 4, 12 एंड 3, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे बोर्ड के मुताबिक जो बाकी चैप्टर्स बच चुके हैं क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखें, जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट करना है आज, ये चैप्टर जो है बेसिकली देखें एमडी कैट का जो सिलेबस होता है ना, बच्चे देखते हैं आउटलाइन को। अब आउटलाइन जो होती है ना, देखें आउटलाइन को देखना और समझना दोनों डिफरेंट चीजों का नाम है। देखें, अब आउटलाइन के अंदर लिखा गया कि वायरस को कवर करना है। अब देखिए, बच्चे सोचेंगे कि वायरस तो सर चैप्टर नंबर 5 में है, वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर, तो हमें उसी को कवर करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि वायरस को माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक ब्रांच है बायोलॉजी की, वहां पे इसको स्टडी किया जाएगा, राइट। ये एक डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां पर आप गौर से देखिए जरा बेटा कि जो सिलेबस है वो बेसिकली वो दिखा कुछ रहे हैं लेकिन उसमें चीजें जो है वो साथ में इंक्लूड की जा रही है। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है। और बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं आपको गिनवा देता हूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 14, जो मोस्टली बच्चे जो है वो एज अ शॉर्ट के लिए करते हैं क्योंकि वो लेंथी चैप्टर उनको लगता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप वो लास्ट में तौर पर कंप्लीट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो है किसी भी किस्म के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो चलिए जरा अब हम ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1 और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम ब्रांचेस को क्लैरिफाई कर सकें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है आज की, तो वो हम माइक्रोबायोलॉजी से शुरू कर लेते हैं। देखें, कुछ एसोसिएटेड ब्रांचेस भी आपकी बुक के अंदर, या जो बच्चे कोई हेल्पिंग बुक बेटा फॉलो कर रहे हैं तो मेरी सजेशन ये है कि कोई भी हेल्पिंग बुक मत लीजिए, किसी भी किस्म के नोट्स फॉलो मत कीजिए। बेशक जितने मर्जी ब्रिलियंट नोट्स हैं, बेशक स्कॉलर है आपके पास, कॉलेज है आपके पास डॉक्टर बायोलॉजी है, तो आप इनको यूज मत कीजिए कभी भी। आपको अगर एमडी कैट करना है तो आपको अपनी बुक को क्रैक करना ही पड़ेगा। ये बुक बहुत ही पावरफुल है आपकी जो बुक है। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी और इससे रेलिवेंट चीजें जो है वो सारी स्टडी करेंगे। देखें, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें ना, तो बेटा माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप लोगों ने, 9th क्लास में ये पढ़ रखा है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बात तो होगी पुरानी, क्योंकि ये चीज आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। देखिए, यहां पर अगर बात करें ना, तो मैं आपको ये कहूंगा भाई हमारे पास जो स्टडी ऑफ वायरस है, स्टडी ऑफ वायरस, अब यहां पर मैं लिखता हूं बेटा स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। जो वायरस की स्टडी होती है हम उसको क्या नाम देते हैं, नीचे मैं कुछ ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। देखिए, ऑप्शन ए है मेरे पास, फर्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। ऑप्शन बी आपको दे देता हूं, माइक्रोबायोलॉजी के बाद ऑप्शन बी जो है मेरे पास दैट इज अ वायरोलॉजी, राइट। ऑप्शन सी है मेरे पास बैक्टेरियोलॉजी, अब ऑप्शन डी है मेरे पास ऑल ऑफ दीज। अब आपने मुझे चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपको सही ऑप्शन नजर आ रहा है। तो जल्दी से बताएंगे, आपके पास होंगे ओनली 5 सेकंड सोचने के लिए।
5, 4, 3, 2, 1 एंड डन। देखिए इधर बेटा, तो यहाँ पे लिखा गया स्टडी ऑफ वायरस। अब स्टडी ऑफ वायरस जैसे ही आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि वायरस जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, और मे बी यू विल हैव टू बी चूज द माइक्रोबायोलॉजी, बट द आंसर इज इनकरेक्ट। द रीजन बिहाइंड इज दैट वायरस को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, वायरोलॉजी के अंदर। वायरस को किसके अंदर स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी के अंदर। तो सर ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, क्योंकि वायरस जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करना चाहिए। तो वायरोलॉजी में कहां से आ गई? देखिए बेटा, जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, माइक्रोबायोलॉजी की आगे अगर हम एक ब्रांच की बात करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी में आगे बेटा आपके पास आगे मजीद इसकी सब ब्रांचेस आती हैं। अब वो कौन कौन सी आती हैं, उनमें से एक आएगा आपके पास वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंदर आप क्या स्टडी करेंगे, आप वायरस को स्टडी करेंगे। दूसरी आपके पास आएगी बैक्टेरियोलॉजी। बैक्टेरियोलॉजी के अंदर आप क्या स्टडी करेंगे, आप बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। तो यहां से आप खुद ही क्लेरिफाई कर लीजिए ना कि देखें, बैक्टेरियोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरिया कवर कर रहे हैं, वायरोलॉजी के अंदर हम वायरस कवर कर रहे हैं, और ये दोनों किससे रेलिवेंट है, किसकी सब ब्रांचेस है, माइक्रोबायोलॉजी की। इट्स मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी चूज करूं तो वो गलत ऑप्शन नहीं है, वो सही ऑप्शन ही है। बट हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी से भी बेहतर चॉइस है तो वो है वायरोलॉजी, राइट। देखे ना, माइक्रोबायोलॉजी की जब बात करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में वायरस की भी बात हो रही है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया की भी बात हो रही है। तो मैं तो सिर्फ स्पेसिफाई करके आपको क्या दिया, वायरस। तो आप किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी चूज करेंगे, आप नहीं चूज कर सकते। हाँ, एक शर्त हो सकती थी, अगर मैं ऐसे आपको लिख के देता, आपसे नहीं लिख के देता, मैं कहता ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट, यानी कि ये डी ऑप्शन रिमूव कर देता, मैं ये लिखता एक्सेप्ट सी, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या चूज करना चाहिए, राइट। स्टडी ऑफ वायरसेस का, वायरस की स्टडी क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, एंड ये वाला ई वाला ऑप्शन डी तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। अब यकीनन आप दिमाग चलाएंगे, आप कहेंगे स्टडी ऑफ वायरसेस का, वायरस की स्टडी कहलाती है। देखिए, वायरस की स्टडी ऑप्शन बी बायोलॉजी में भी आएगा, वायरस की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ने यहाँ पे लिखा है कि आप ऑप्शन सी को एक्सेप्ट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यानी कि आप इसको निकाल दीजिए। तो मुझे बताइए कि वायरस को क्या माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं, यस सर करते हैं। वायरस को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, यस सर करते हैं। तो इट्स मींस दैट इस सूरत के अंदर यहाँ पर जो मेन सही ऑप्शन होगा वो आपके पास कौन सा होगा, वो ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट सी वाला आपके पास राइट ऑप्शन होगा। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट जरा देख लीजिए, देखिए मैं आपको एक लिख के देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जैसे कि ये सेम ऑप्शंस पड़े हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है ये मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। मैंने कहा वायरसेस आर स्टडीड, देखिए वायरसेस आर स्पेसिफिकली स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और विच डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। वायरसेस आर स्पेसिफिकली स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और विच डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, स्पेसिफिकली। अब यहां पर आप क्या चूज करेंगे, अब यहां पर भी क्या आपको यही ऑप्शन चूज करना चाहिए, खरी आप सोचिए, नहीं, क्योंकि यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई का मतलब हम सिर्फ वायरस को ही देखने वाले हैं, इट्स मींस दैट इन दैट स्टेटमेंट द राइट ऑप्शन इज अ वायरोलॉजी, राइट। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि जो वायरस है इसको हम किसमें स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में, और बैक्टीरिया को किसमें स्टडी करेंगे, आप स्टडी करेंगे किसके अंदर, बैक्टेरियोलॉजी के अंदर। वायरस से रिलेवेंट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम साथ में कवर करते जाएंगे। देखिए वायरस जो होते हैं ना, देखिए अगर एक एमसीक्यू हमसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं वो कौन करते हैं। तो आपने कहना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो कनेक्टिंग लिंक का काम करेंगे वो कौन करेंगे, वायरसेस। कौन करने वाले हैं, वायरसेस। और जो वायरस मैच्योर होता है उस मैच्योर वायरस को क्या नाम देते हैं, वायरोन। मैच्योर वायरस को क्या नाम देते हैं, वायरोन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे भी एक गलती हो जाती है बच्चे से कि जो वायरोन है ये लफ्ज कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए वायरोन का जो लफ्ज है वो सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाएगा जब वायरस किसी सेल से बाहर होगा। जब वायरस किसी सेल के अंदर चला गया तो वो वायरोन नहीं कहलाएगा। तो बच्चे जो है वो यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। देखिए गौर से सुनिए मेरा, मैंने अभी क्या स्टेटमेंट दी, मैंने कहा विच वन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप सब जानते हैं कौन है, वायरसेस हैं। फिर मैंने कहा क्या कहा कि वायरस को ही हम क्या कहते हैं, वायरोन का नाम देते हैं। फिर मैंने ये कहा कि हर वायरस वायरोन नहीं होता, फिर कौन सा वायरस वायरोन होता है, वो वायरस जो सेल से बाहर मौजूद है उसको वायरोन कहेंगे। मान लीजिए ये है मेरे पास एक सेल, ठीक है, एक वायरस ने आके इसके सेल के ऊपर अटैक किया। जब वो वायरस इस सेल के ऊपर आकर अटैक करेगा तो उसके बाद पता है वो क्या करेगा, वो अपने डीएनए जो है वो उसको इंसर्ट कर देगा, डीएनए क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा, लेकिन अपने ये जो प्रोटीन का कोट है ना ये बाहर ही रखेगा। तो डीएनए उसने अपने डीएनए या आरएनए जो भी है उसके अंदर उसने वो तो डाल दिया किसके अंदर, होस्ट के सेल के अंदर। तो बेटा क्या हम इस वक्त इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ वायरोन के तौर के ऊपर, आंसर इज नो। इट्स मींस दैट वायरसेस आर कॉल्ड वायरोन इन कौन से एनवायरमेंट के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट और इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट।
देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल से बाहर, इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के अंदर. तो इट्स मींस दैट कि आपने फौरी तौर पे चुकन्ने हो जाना है कि भाई हम लोग जो है सीधे साधे लोग हैं, पंजाबी देसी लोग हैं, तो हम लोग वायरस को वायरल कंसीडर कहां पे करेंगे, जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट पे होगा, जब वो सेल से बाहर होगा. अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वायरोन आप तभी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसके पास दो चीजें हो, या तो एक तो डीएनए हो और दूसरी चीज डीएनए या आरएनए हो, आई मीन न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं ना, तो इसलिए मैंने उनमें से एक चूज कर लिया डीएनए, और दूसरा उसके पास क्या हो, प्रोटीन का कोड. जब ये दोनों चीजें होंगी उसके पास, फिर आप इसको वायरोन कहेंगे, अदरवाइज आप इसको वायरोन नहीं कह सकते. इसका मतलब जब वो सेल से बाहर था तो उसके पास ये देखिए डीएनए भी था, उसके पास प्रोटीन का कोड भी था ये वाला, लेकिन जब वो अंदर गया सेल के तो डीएनए तो उसने भेज दिया लेकिन प्रोटीन का कोड नहीं भेजा. इसका मतलब यहाँ पे हम इसको वायरोन नहीं कह सकते. तो वायरोन की जो टर्मिनोलॉजी है वो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर आके क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाली है. तो इस तरह से जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं वायरस से रेलेवेंट, थोड़ी बहुत माइक्रोबायोलॉजी से रेलेवेंट, वो यहाँ पे कवर किया हमने. अब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए. देखिए बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा बात करेंगे नहीं, उसके रीजन बता देते हैं. उसके रीजन ये है कि बैक्टीरिया के ऊपर हमारे पास पूरा एक चैप्टर मौजूद है, राइट. और उस चैप्टर में यानी कि कोई ऐसा मेन पॉइंट्स, इसके जो फीचर है ना वो कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी किए जाते हैं. वायरस के जो फीचर्स हैं वो कुछ बोल्ड बोल्ड फीचर्स हैं, तो इसलिए वो बोल्ड फीचर्स आपको बताए गए हैं. बैक्टीरिया के बारे में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत सारी बीमारीज काज करते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके बाद क्लिस्ट्रोडियम टाटनी, व्हाटएवर, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर भी, हर जगह पे मौजूद है. तो इसके बारे में आप ये याद रखेंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट हर ईच एंड एवरी प्लेस, हर जगह पे मौजूद है, खुराक में, हवा में, हर जगह पे मौजूद है. तो ये होगी हमारी पहली ब्रांच. अब दूसरी ब्रांच की बात करते हैं, दैट इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें ना, तो इसको समझाने के लिए मैं साथ में एक और ब्रांच उठाऊंगा, वो है मेरे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी. अब देखेंगे आप सोचेंगे कि सर फ्रेश वाटर बायोलॉजी का इसका साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन जब हमें कॉलेज में पढ़ाया गया था तब तो उन्होंने फ्रेश वाटर बायोलॉजी के साथ मेरा बायोलॉजी पढ़ाया था. आप तो हमें अजीब ही सिखा रहे हो, सही कह सही आप सोच रहे हो. अब दिक्कत क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा आपके और इतना चीजें. पॉइंट नंबर वन, चलिए सबसे पहले बेटा अजान सुनेंगे, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. राइट, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इस फिनोमिना को. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें और साथ में फ्रेश वाटर बायोलॉजी की बात करें, तो इन दोनों में बेसिक जो फर्क मैंने आपको समझाना है वो यहां पे भी समझाऊंगा. देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के में दो डेफिनेशन बन सकती हैं. पहली डेफिनेशन समझिए, पहली डेफिनेशन में भी आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली स्टडी करना है, किस लेवल के ऊपर जाकर, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर. अब सब एटॉमिक लेवल की बात करें तो सब एटॉमिक लेवल में आप ऑलरेडी जानते हैं तीन चीजें आएंगी, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन आएगा और न्यूट्रॉन आएगा, साथ में बहुत सारी चीजें होती है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा, बहुत सारा. उसके बाद एटम्स आएंगे, एटम्स के बाद एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, और उस लेवल को क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर लेवल का नाम देंगे. तो मे बी आपने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है किस लेवल के ऊपर जाकर, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर. तो अगर आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर ऑर्गेनेल्स, देयर ऑर्गन सिस्टम एंड their organ system and cell at the molecular level is known as a molecular biology. क्या ये सही आपके पास है? जी, ये आपके पास एक बिल्कुल define, complete and appropriate है. लेकिन point number second भी देखिए, हो सकता है molecular biology के अंदर आपने क्या करना है, आपने उन molecules को study करना है, आपने उन biomolecules को study करना है जो के पाए जाते हैं किसकी body के अंदर, living organisms की body में पाए जाते हैं. दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी. हो सकता है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, उन बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि आपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है किस लेवल के ऊपर जाकर, आपने इनको स्टडी करना है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर, बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर जाकर. तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है कि दोनों डेफिनेशन जो है इसके लिए एक्यूरेट रहने वाली है. अब इसका इसके कंपैरिजन के साथ यहाँ पे ताल्लुक क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए. देखिए फ्रेश वाटर बायोलॉजी में ना आपने दो तीन चीजें याद रखनी है. पहली बात, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, जमीन है, इस जमीन का जो मोस्टली जो पानी है वो आपको पता है कि कहाँ पर मौजूद है, वो मेराइन एनवायरनमेंट है. यानी कि
97% अगर हम पानी की बात करते हैं तो वो कहां पर मौजूद है, वो आपको देखने को मिलेगा ओशंस के अंदर, देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा सीज के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर मैं ये डिस्कशन में नहीं आपको लेके जाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी, तो इसके ऊपर लेक्चर जो है वो सीएसएस एस्पिरेंट्स के लिए है, तो वो वहां पे चला जाएगा। लेकिन देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी। ओके, तो 97% जो पानी है वो नमकीन पानी है, वो पाया कहां पे जा रहा है, वो मेराइन एनवायरमेंट के अंदर पाया जा रहा है। अब उस 97% पानी में से बाकी जो रिमेनिंग पानी है वो है 3%, वो 3% पानी जो है वो है फ्रेश वाटर। वो कौन सा फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर का मतलब जो पीने के काबिल है, इस्तेमाल करने के काबिल है, राइट। और इस 3% जो पानी है, ये 3% पानी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये 3% पानी आपको ग्लेशियर्स की फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा, आपको आइस कैप्स की फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा, और हमारी जमीन के नीचे जो पानी इस्तेमाल करने के लिए होता है उस अंडरग्राउंड वाटर जो है वो तमाम आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी में क्या हमें पानी को स्टडी करना है? देखिए, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर पहली बात आपको तो इसकी जो पानी है फ्रेश वाटर है उसकी आपको कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ेगा। जो आपके पास नहरों के अंदर पानी है, ठीक है, दरियाओं के अंदर पानी है, सारा फ्रेश वाटर है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स के मेल्टिंग से आता है। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, आने वाले कुछ सालों में या कुछ डिकेड्स के बाद जंग होने वाली है वो ना तो जमीन की वजह से होगी ना पेट्रोल की वजह से होगी, वो किस वजह से होने वाली है? पानी की कमी की वजह से। इसलिए पानी कभी भी जाया मत कीजिए। देखिए, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर पहली बात आप इसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, और दूसरी चीज आप यहाँ पर किसको स्टडी करेंगे? एनिमल्स को स्टडी करेंगे जो कि कहाँ पर मौजूद है, जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। और फिर आप इस चीज को भी स्टडी करेंगे कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरह से, कौन कौन सी वो अडॉप्टेशंस हैं इनके पास जिसके मदद से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। सर, क्या ये ब्रांचेस जो है हमारे एनुअल एग्जाम के लिए जरूरी है? तो आंसर इज नो, ये ब्रांचेस जो है हमारे एनुअल एग्जाम के लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड जरूर है एमडी गाइड के साथ। और पेपर में कोई भी ऐसी चीज में आपको कोई भी टीचर नहीं ये कह सकता कि भाई ये चीज पेपर में नहीं आ सकती। सो इसलिए आपको हर चीज ही कवर करना पड़ेगी, आपको क्रैक करना पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें, गौर से समझिए जरा। देखिए, अगर हम यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन करें ना, तो मैं आपसे अगर इस तरह से एमसीक्यूज पूछूं कि देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, इन दोनों जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम गहराई में जाके स्टडी करते हैं, तो हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने किस लेवल पे जाके स्टडी करना है, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाके स्टडी करना है। और फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में एनिमल को स्टडी करना है। एनिमल जो है वो किस लेवल पे आता है? वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बड़ा लेवल कौन सा आपको देखने को मिलेगा? क्या आपके पास बड़ा लेवल ये है? देखिए, कहा तो ये जाता है टेक्निकली तौर पर कि आपका भाई जो है वो आपसे पहले आ गया तो वो बड़ा है। तो पहला जो लेवल जहां से स्टडी किया जाता है वो तो सब एटॉमिक लेवल है। इसका मतलब बड़ा लेवल कौन सा है? वो सब एटॉमिक लेवल है। नहीं, यहाँ पर बड़ा लेवल जो है वो ये नहीं है। यहाँ पर बड़ा लेवल जो है ये वाला इंडिविजुअल लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर छोटे लेवल के अंदर ये मॉलिक्यूलर लेवल एंड दूसरे लेवल जो है ये कंसीडर किए जाएंगे। तो इसलिए चीज आपने याद रखनी है कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस किस लेवल के ऊपर जाकर स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेराइन बायोलॉजी के बारे में, तो मेराइन बायोलॉजी के साथ में कवर कर लेते हैं। देखिए, मेराइन बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो मेराइन बायोलॉजी के अंदर आपने क्या स्टडी करना है? मेराइन बायोलॉजी के अंदर आपको ये स्टडी करना है कि बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस एनवायरमेंट को, हम मेराइन एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं। हम मेराइन एनवायरमेंट का क्या क्या स्टडी करेंगे? पहली बात हम समुद्री पानी जो है उसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, दूसरी चीज उसमें मौजूद एनिमल्स को स्टडी करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि वहां पर जो एनिमल्स मौजूद हैं वो वहां पर किस तरह से अडॉप्टेशन है उनके अंदर। तो ये सारी चीजें हम कहां पर स्टडी करेंगे? मेराइन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अब हम समझते हैं कि मेराइन बायोलॉजी और फ्रेश वाटर बायोलॉजी जो है इनके स्टेटस में कोई फर्क है कि या सेम स्टेटस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, इनका जो स्टेटस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो और स्टेटस है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी का जो स्टेटस है वो कहां पे जाके फॉल करेगा? माइक्रोबायोलॉजी का स्टेटस फॉल करेगा जाके सेल लेवल के ऊपर। कहां पे जाके फॉल करेगा? सेल लेवल के ऊपर जाके फॉल करेगा। लेकिन देखिए, मेराइन बायोलॉजी का जो स्टेटस है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी से मैच करने वाला है। तो यहां पे ये कंफ्यूजन जो है वो आपके माइंड में आ सकती है। तो भाई देखिए, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेराइन बायोलॉजी दोनों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? दोनों के अंदर आपको एनिमल्स जो है वो लाजमी तौर पर देखने को मिलेंगे। देखिए, इससे आगे भी कुछ लेवल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ इतने ही लेवल्स बनाए हैं तो इन लेवल्स को कंसीडर अगर हम करें तो इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए हम इस नुक्ता नजर पर पहुंचेंगे कि हमारे पास द फ्रेश वाटर बायोलॉजी है और मेराइन बायोलॉजी दोनों का जो स्टेटस है वो आपको एक ही स्टेटस देखने को मिलेगा, दैट इज एन इंडिविजुअल लेवल। अब हम दो और ब्रांचेस स्टडी करेंगे साथ में, उनमें से एक जो है वो है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी, सो व्हाट इज अ सोशियोबायोलॉजी? और इसके जो साथ में एक और आपको स्टडी करनी ही चाहिए, दैट इज अ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशियोबायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी? देखिए बेटा,
जो सोशल बायोलॉजी होती है ना, सोशल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर्स को। अब सोशल बिहेवियर क्या है? सोशल बिहेवियर ये है कि जैसे ही आप एक कॉलेज में बैठे, आप एक लेक्चर ले रहे हैं, तो लेक्चर में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने फेलो के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उंगना शुरू कर देंगे, आप कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको लेक्चर इंटरेस्टेड लग रहा है तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा उस टीचर के साथ वहां पर उस लेक्चर में बंधने की कोशिश करेंगे जैसे आप हमारे साथ बंधने की कोशिश में है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे गौर से देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हमारा आ गया सोशल बिहेवियर। इसी तरह से अगर एक कुत्ता जो है वो आपकी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप भागने की कोशिश करोगे या उसको देखो नीचे से स्टोन पत्थर उठाकर उसकी तरफ मारने की कोशिश करोगे, उसको दिखाने की कोशिश करोगे और उसको बताओगे कि अगर तुम कुत्ते और मैं भी फिर। तो इस तरह से आप लोग, ये जो है आपका, ये है सोशल बिहेवियर। तो इसी तरह से अगर आप शेर के पास सामने जाएंगे तो शेर क्या करेगा, हमेशा अटैक करेगा। ये शेर का क्या है, सोशल बिहेवियर है। तो सोशल बिहेवियर जो होते हैं जैसे कि गॉसिप्स करना, चुगली करना, ये क्या होते हैं, दैट इज अ सोशल बिहेवियर होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं। देखिए एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आपने स्टडी करना है किस चीज को, एनवायरमेंट को। क्या स्टडी करेंगे, एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है वो एनवायरमेंट और इकोसिस्टम को लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में यार फर्क कहाँ पे आ रहा है। देखिए आपको ये फर्क मैं क्लियरिफाई करवाता हूँ। सबसे पहले देखिए इकोसिस्टम की जब आपने बात करनी है तो इकोसिस्टम जो है उसका मतलब ये होता है कि जब आप लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो वो किसमें आएगा, इकोसिस्टम के अंदर आएगा। लेकिन एनवायरमेंट की अगर बात करते हैं तो एनवायरमेंट में आपने कहना है कि वो फिजिकल कंडीशन या बायोलॉजिकल कंडीशन जिसमें एक जानदार रहता है वो उसका एनवायरमेंट है। एक फिजिकल कंडीशन या बायोलॉजिकल कंडीशन, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो जंगल में रह रहा है। अब जंगल में रह रहा है तो जंगल घना होता है, उसमें लाइट सूरज की रोशनी जो है वो कम आती है, उसमें हवा जो है वो ज्यादा चलती रहती है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहता है। तो देखिए उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो है सनलाइट, उसकी फिजिकल कंडीशन है कौन सी चीज, हवा, उसकी फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर। लेकिन उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन क्या है, उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन है लिविंग चीज कौन सी है, पौधे, वो लिविंग है। इसी तरह से कीड़े मकोड़े, वो लिविंग है। तो वो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जिसमें एक जानदार जो है वो सर्वाइव करेगा, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज अ एनवायरमेंट। और इकोसिस्टम क्या है, जब हम बच्चे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब हम बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको स्टडी करते हैं उसके एनवायरमेंट के साथ, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका एनवायरमेंट यानी कि एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ हम स्टडी करेंगे, लिविंग को नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ स्टडी करेंगे, तो वो किसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम किसको स्टडी करेंगे, हम एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे और हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका उनके माहौल के साथ ताल्लुक क्या होता है। जैसे कि आपका आपके माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, सर बहुत ही खराब ताल्लुक है। कैसे, आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, बदले में क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हो, लेड जो है वो निकल रहा है, वो बगैर फिल्टर किए, बगैर फिल्टर लगेंगे आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर और वो हवा के अंदर ऐड हो रहा है, राइट। तो इस तरह से चीज याद रखनी है कि बहुत खतरनाक है। चलिए आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं। आप लोगों को पता है कि आजकल आर्टिफिशियल क्लाउड की बात चल रही है, तो चाइना जो है वो आर्टिफिशियल क्लाउड के प्रोजेक्ट में जो है वो सफलता हासिल कर चुका है। और आपको पता है कि आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने में जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, एक कंपाउंड होता है जो कि यहाँ पे काम करता है, उसको नाम देते हैं सिल्वर आयोडाइड। क्या नाम है, AGI। क्या नाम देते हैं, AGI। क्या नाम देते हैं, AGI। तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है ना वो बेसिकली जो भाप होती है, जो वेपर्स होते हैं, उनको कंडेंस करना, उनको कलेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। तो इसलिए ये चीज आप याद रखते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड्स में जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सोशल बायोलॉजी आगे, यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी आगे। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी आप लोग ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं, नाइन्थ में पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, वो तमाम चीजें जो हमारे लिए जरूरी है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इतनी सारी जो मैंने आपको ब्रांचेस पढ़ाई है, इन तमाम ब्रांचेस में से कौन सी ऐसी ब्रांच है जो ज्यादा एडवांस है, जो हमें फ्यूचर में ज्यादा फायदा दे सकती है, जल्दी से सोचिए कौन सी ऐसी ब्रांच है जो आपको फ्यूचर में ज्यादा फायदा दे सकती है। देखिए अभी तक अगर मैं आपको ये कहूँ कि जितनी भी ब्रांचेस पढ़ाई हैं इनमें से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट वाली आपके पास ब्रांच है ना जो फ्यूचर में फायदा देगी वो है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। उसका रीजन पता क्या है, उसका रीजन है फूड। आपके पास जो खुराक है ना वो कम हो रही है और 2050 तक में भी जो आबादी है इस दुनिया की वो शायद 10 बिलियन के करीब पहुंच जाए। तो अभी जो है वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, 8 बिलियन जो है वो क्रॉस कर लेंगे 2030 तक। अभी 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अगर हम बात करें तो 1.44 बिलियन जो है वो चाइना की है, 1.41 बिलियन किसकी है, इंडिया की है,
राइट, तो मे बी 2030 तक 8 बिलियन क्रॉस हो जाएगा और 2050 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितने बिलियन हो जाएगा, 10 बिलियन हो गए तो खुराक की हो जाएगी शॉर्टेज। खुराक की शॉर्टेज होगी तो एनर्जी हासिल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको किसमें करना जिसको किसमें स्टडी किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए अगर मैं आपको ये कहूँगा विच ब्रांच जो हमें फ्यूचर के अंदर ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट हो सकते हैं तो आपके पास कौन से बायोटेक्नोलॉजी। So that is all about the lecture number 1 and the branches of biology. Hope so all the concept is clear. If you have any sort of question, you can ask in the comment section right now. Share this video and goodbye.